खास रिपोर्ट में हम आप सभी के बीच कलर चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल बहू बेगम के बारे में। वेल, खबर आ गई है कि शो की लीड डायना खान इस शो को कह रही हैं अलविदा। शो से एग्जिट का मोड आ गया है डायना के लिए, यानी कि आपकी फेवरेट और अजान की लेडी लव शायरा के लिए। ऐसे में शायरा जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, अजान के बच्चे की जो माँ बनने वाली है, अगर शो को वो अलविदा कहती है तो कैसे दोबारा एक नई शायरा आती है, यानी कि शायरा और अजान की जिंदगी की खुशियां लेकर आती है कौन, वो नन्ही सी गुड़िया या फिर शायरा अजान का बेबी बॉय? ये तो देखना होगा, क्योंकि लीव का ट्रैक शो में लाया जा सकता है। शायरा की मौत के बाद शायरा एक नए रूप में नजर आएगी, कहा जा रहा है। शो में लीव के बाद ही शायरा के बच्चे का जन्म और नई कहानी शायरा अजान के बच्चे की जिंदगी की एंट्री के साथ होगी, जिसमें नूर और अजान की शादी के बीच शायरा का कदम रखना शायरा को यहाँ पर सबकी नजर में गिराता चला जाएगा। लेकिन बेगम का सरताज नूर सजाएगी अपने सिर पर या फिर शायरा ही बनी रहेगी अजान की बेगम, इसके लिए आने वाले एपिसोड्स का करना पड़ेगा इंतजार। फिलहाल शो का आने वाला ट्रैक ये कहता है कि अजान शायरा से जो नफरत करता है वो अपनी शायरा को पहचानने में जो भूल करेगा उसके कारण आदिल अपने चाल में कामयाब होगा और शायरा अपने बच्चे को बचाने के लिए अब अजान से भी दूर हो जाएगी। देखना होगा कैसे इन दोनों का बच्चा इन दोनों को फिर मिलाता है, कैसे इन दोनों की मोहब्बत फिर से इनकी जिंदगी में खुशियां लेकर आती है, जिसके लिए आने वाले ट्रैक्स का करना पड़ेगा इंतजार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।